जी हाँ प्यारे दोस्तों, पीएमजी यूट्यूब चैनल देख रहे सारे ही रबर के श्रोतियों ताडे नाल चीज महेंद्र जलंधी वालों प्यार भरी आदाब सलाम नमस्कार और सत श्री अकाल। और जिस मुद्दे से जिस विषय से मैं अज गल करन जा रहा, साढ़े दरम्यान बहुत ही खूबसूरत ऐसी शख्सियत जो शख्सियत किसी ना की मुहताज नहीं, कहते हैं कि वाह वाह रमज फकीरा तेरी सहज गुणे नाल मिठी, आउंदी जवानी हर कोई वेंदा जांदी किसे ना डिठी, की बनिया दो बंदिया तेरी आखिर लगुणा मिट्टी, इश्क ने हरदम ताजे रहना भवें दाढ़ी कितों कितों की भवें सारी हो जाए चिट्टी। मैं उस इश्क की गल कर रहा, उस इंसान की गल कर रहा जिन्हों इश्क है अपनी वतन के नाल, अपनी कौम के नाल, जिन्हों प्यार है इंसानियत के नाल, जिन्हों मुहब्बत है अपने संगीत के नाल। संगीत के नाल जुड़ी हुई वो शख्सियत जो बहुत सारे कलाकारों पंजाब म्यूजिक ग्रुप यूट्यूब चैनल दोहा कतर तो रूबरू होंगी है, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे फनकार, बहुत सारिया ऐसी शख्सियतों को रूबरू करता है एज ए होस्ट। बट वो बैकग्राउंड उन्होंने की है, उन्होंने सारी जानकारी मैं उन्होंने मुलाकात करावगा। तो रूबरू कर जा रहा वो ना चीज़ जो नाम किसी नाम का मुहताज नहीं, उस्ताद नजाकत अली खान स्टूडियो शामिल ने, हाजिर ने और रूबरू हो गए तो उन्होंने गल करा खट्टिया कुछ मिठिया कुछ जिंदगी बारे कुछ म्यूजिक के बारे, क्योंकि हमेशा ही गल होंगी पी एम जी पंजाब म्यूजिक ग्रुप दोहा कतर। पंजाब म्यूजिक ग्रुप दोहा कतर की आ, की करता है, किमें करता है, कदों करता है, किमें होंद बच आया, वो सारिया गल् बाद करा। सब तो पहला आओ करते हैं स्वागत उस शख्सियत का, मेरी मुराद मिस्टर उस्ताद नजाकत अली खान साहब। उस्ताद जी सलाम जी, नमस्कार सलाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ दर्शकों का कि पंजाब म्यूजिकल ग्रुप किसी नाम का मुहताज नहीं और आप भी किसी नाम के मुहताज नहीं है। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत वेलकम करता हूँ और आपने बहुत सारे, मैं दर्शकों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये वो नजाकत अली खान साहब हैं जो आपको डेली यूट्यूब चैनल पीएमजी के माध्यम से मिलते हैं और अच्छे अच्छे कलाकारों को, अच्छे अच्छे फनकारों को आपके रूबरू करते रहते हैं। तो आज हम दिल खोल के बातें करेंगे, लेकिन मैं कुछ पंजाबी में बात करूँगा क्योंकि नाम ही हमारे ग्रुप का पंजाब म्यूजिक ग्रुप है और इनसे बात करेंगे उर्दू में और हिंदी में। तो नजाकत अली खान साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, आप बताएं सब खैर है, कैसे जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ी मेहरबानी, आज हमने याद किया, ठीक है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। तो बहुत दिनों से बात चल रही थी कि आप मुझे कुछ पूछना चाह रहे, तो मैं रोज लोगों को पूछता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि चलें आप जो पूछना चाहते हैं अपने नाज़रीन को बता दीजिए। नहीं ऐसे होता ना सर, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे पंजाब म्यूजिक ग्रुप से प्यार करते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल को प्यार करते हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे और भी दर्शक हैं, तो पुराने तो सब आपको जानते हैं क्योंकि आपका नाम पाकिस्तान, हिंदुस्तान या दोहा कतर में पूरे वर्ल्ड में आपको सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ आज हमारे श्रोतागण, हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ व्यूवर आज नए जुड़े होंगे इस चैनल के साथ, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुराने दोस्त सब जानते हैं नजाकत अली खान के बारे में, तो हूँ असं गल करेंगे पंजाबी। तो सर सब तो पहला तुम ये दसो कि तुम्हारी बैकग्राउंड जिंदगी बारे थोड़ा पिछले में ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानना चाहते कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे म्यूजिक में आए और उसके बाद म्यूजिक आपने कहाँ से सीखा, आपके उस्ताद जी कौन है और फिर आप दोहा कतर में आके पंजाब म्यूजिकल को कैसे ऑर्गेनाइज किया और आपको क्या क्या दिक्कत आई और क्या क्या आपने इसमें हासिल किया, तो थोड़ा दर्शकों को आप साथ जरूर रूबरू। जी जी जरूर। बात यह है महेंद्र भाई के जब इंसान कोई भी मेहनत करता है तो उसके लिए मुश्किलातों का सामना तो करना पड़ता है। तो दोहा कतर में जब मैं आया तो मुझे मुश्किलातों का तो बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन बात यह है कि ज़िंदगी में हर इंसान की कोई ना ख्वाहिश होती है, ठीक है, हर बंदे ने कुछ ना कुछ सोचा था। जब स्टूडेंट होता है उस वक्त ही वो सोचना शुरू कर देता है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूँगा। तो बात इतनी सी है कि जब मैंने दोहा कतर का मेरा ख्वाब था के लोग आते जाते, मैं भी कहता हूँ कि आऊँगा पाकिस्तान में, मैं म्यूज़िक का बड़ा लवर था, मुझे गाने का शौक़ था, बजाने का शौक़ था, लेकिन जब मैंने गाना बजाने वाले देखे तो मुझे अंदर से मैं कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मैंने देखा कि भी हमारे मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान में गाने वाले की उस तरीके की कदर नहीं जो होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले मैंने ये सोचा कि मैं भी डायरेक्टर बनूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँ या प्रोड्यूसर बनूं या रेडियो पे ड्यूटी करूं या टेलीविज़न पे काम करूं। सही है। तो ये मैंने सोचा, जब मैंने ये सारा कुछ सोचने के बाद मैंने फिर साथ में प्रोग्राम करता रहा, सीखता रहा, मुझे तबले का शौक़ था बेसिकली, तो तबला मैंने सीखा। इसके लिए मुझे बड़े बड़े जो है माशाल्लाह आपका तबला तो हम दुआ कदर में 12 साल से सुन रहे हैं और पूरी दुनिया आपको पूरी जिंदगी से सुन रही है और जी बस पूरी दुनिया में जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब तबला सीखा है या बजाता हूँ तो मुझे अभी तक तबले का समय लेके अलफ से बे नहीं पता,
लेकिन जब मैंने तबला बजाना शुरू किया और तबले को की स्टडी की, तो उससे मुझे पता चला कि ये जो फील्ड है ना बड़ी मुश्किल की है, और ये काम वो है कि करें तो आए, ना करें तो बहुत दूर चला जाए। ठीक है, फिर मैंने ये कि इसको मैंने शौक़ की हद तक रखा और अपने एजुकेशन पूरी की, पढ़ता रहा, साथ में शौक़ पूरा करता रहा स्कूलों में, जैसे कि होता है स्कूल में जो बच्चे गाते भी हैं, म्यूज़िक भी बजाते हैं इस तरीके से। और इसके बाद ये कि इसको मुझे दोहा कतर में आगे बड़ी स्ट्रगल की कि मैंने एक नाम रखा पंजाब म्यूज़िक ग्रुप। जब मैंने वो स्टार्ट लिया तो मुझे दोहा में कुछ अच्छे लोग मिले, जैसे कि एक हमारे आजकल प्रेसिडेंट थे पहले शाह रशीद साहब, क्या बात है, तो अब वो चेयरमैन है, तो उनकी बड़े मेरे ऊपर शफकत थी, बड़ा हाथ था, उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया। वो बड़े बिजी बंदे थे लेकिन मैं उन्हें ज़बरदस्ती उनके पीछे जाता था। खैर उनकी बड़ी कावश थी मेरे साथ, बड़ी मेहनत थी, तो काफ़ी प्रोग्राम किए हम लोगों ने। उसके बाद और भी बंदे बड़े आए हमारे ग्रुप में, काफ़ी बंदे हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप भी तो हमारे ग्रुप के ही बंदे हैं। तो ये एक गुलदस्ता होता है, जब तक कंप्लीट ना हो तब तक इंसान मुकम्मल नहीं होता। सही बात है। तो लेकिन बस ये है कि इसके पीछे ये है कि बड़ी स्ट्रगल है। मैं तकरीबन ये 99 से हमने शुरू किया और आज 2020 हो गया, अभी तक चल रहा है, और बड़े प्रोग्राम किए, बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाए, नामवर आर्टिस्ट हमने बुलाए, बड़े बड़े अच्छे नाम बुलाए, और उन लोगों को भी चांस दिया जिन लोगों को कोई जानता नहीं, उन लोगों को भी चांस दिया जिनको लोग जानते भी हैं। बड़े प्रोग्राम भी किए, छोटे प्रोग्राम भी किए, और इस हवाले से मैंने पंजाब म्यूज़िक ग्रुप का एक नाम है जो कि बन चुका है पूरी दुनिया में, काफ़ी टूर मैंने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से। तबला मैंने काफ़ी लोगों के साथ बजाया, वैसे बेसिकली मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ और मैं प्रोग्राम की मैनेजमेंट करता हूँ, तो शौक़ मुझे तबले का और गाने का बहुत है। तो लेकिन गाना एक बड़ा मुश्किल काम है, तबला भी एक बहुत मुश्किल काम है, तो लेकिन बस ये है कि इतना सही है। हाँ जी प्यारे दर्शकों, जो तुम बहुत सारिया गल्लां नजाकत अली खान साहब को सुनिया, कि खान साहब ने अपने दिल दियां सारिया गल्लां दिल दे गहराइयां तो तुहानू मैसेज भी दिते, तुहानू गल्लां भी कीतियां, लेकिन मैं इत्थे गल एक होर करनी चाहुंदा कि जिहड़े साडे नवें दर्शक ने जिन्हां नूं इह नहीं पता कि नजाकत अली खान साहब साडे PMG ग्रुप के चीफ ऑर्गेनाइजर ने, पुराने दोस्त सारे जानते हैं, सज्जन मित्र सारे जानते हैं, लेकिन मैं हुण इह पुछना चाहवांगा नजाकत अली खान साहब को कि अज तक तुसीं किन्ने कलाकार पाकिस्तान जां हिंदुस्तान जां होर ही बहुत दूसरियां कंट्रियां किन्ने कलाकार तुसीं बुला चुके हो, किन्ने कु तुसीं प्रोग्राम कर चुके हो और कौन कौन शिरकत कर चुका। मेरे ख्याल नाल तां अनेकों सौं के हिसाब न सैकड़े हिसाब न बहुत सारे कलाकार इतने आए परफॉर्म किया, 12 साल तो मैं भी देख रहा, लेकिन कहीं अं नजाकत अली खान के मुखों उन्होंने जवानी पूछना चाहवागे कि किन्ने क गुलूकार किन्ने क फनकार इतने आ चुके हैं, किन्ने क तुम प्रोग्राम कर चुके हो। और जी महेंद्र भाई आपने पूछा कि किन किन लोगों को मैंने बुलाया, सबसे पहले मैंने बड़े उस्ताद हैं हसैन बख्श गुल्लू साहब, उनके शागिर्द अनवार हुसैन गुल्लू, उनको मैंने दोहा में इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हबीब साहब थे, फिर हसैन बख्श गुल्लू साहब, शफकत साहब, बड़े बड़े आर्टिस्ट, सजाद अली के प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ थे, फिर उनके अलावा सरैया खाना में अजरा जहाँ है, उस्ताद गुलाम अब्बास साहब हैं, उस्ताद गुलाम अब्बास अमेरिका वाले हैं जो तबला बजाते हैं, उस्ताद तारीखा हैं, उस्ताद सजाद अली, बहुत जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ बहुत कम है, नाम मुझे इतने याद भी नहीं क्योंकि मैंने प्रोग्राम बहुत किए और इस पर मेरी बुक भी आई उसमें सब कुछ हमने छापा हुआ है लोगों को बताने के लिए कि हमने आज तक क्या क्या किया। ठीक है, तो बात यह है कि काफ़ी प्रोग्राम किए, तकरीबन 200 से ऊपर प्रोग्राम मैंने कर चुका हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 200 प्रोग्राम जो हमने किए हैं हमने, और हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल फ्री हम लोगों को बुलाते हैं, इसकी कोई टिकट नहीं होती, हम इसको VIP पास लोगों को देते हैं और बुलाते हैं। हमारे प्रोग्राम का असूल है कि हम प्रोग्राम भी फ्री दिखाते हैं और रिफ्रेशमेंट या खाना भी फ्री खिलाते हैं, क्योंकि हम इधर दोहा कतर में इंटरटेनमेंट देते हैं, और जो हमारे कमर्शियल प्रोग्राम होते हैं वो स्पॉन्सरों के सहारे से होते हैं, उनकी मदद से होते हैं, वो हमारे साथ होते हैं तो फिर हम वो प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो प्रोग्राम जो कमर्शियल होते हैं तो उसमें जो है स्पॉन्सर हमारे साथ होते हैं, तो उसकी सिर्फ टिकट वगैरह सेल की जाती है, बाकी ये जो हम अपने ज़ाती प्रोग्राम करते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि दोहा के फ्री लोग आए, फैमिलियाँ आए और हमारा प्रोग्राम देखें, और हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि हम इस दोहा कतर में लोगों को इंटरटेनमेंट दें ताकि लोग हमसे खुश हों, और लोग जो घरों में बोर होते हैं, यहाँ इंटरटेनमेंट है कौन सी, तो हमारी कोशिश होती है
के लोगों को बुला के हम अपने प्रोग्राम दिखाए। खान साहब माशाल्लाह आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये कहूँ पंजाबी के बड़ा जबरदस्त लगा, बहुत वधिया लगा। लेकिन तुम जो गल्लां कही बहुत ही समझदारी वाली और बड़ी सोच वाली गल्लां कही, क्योंकि हर बंदे नू हर काम दे विच चाहे कोई भी फील्ड हो बड़ी स्ट्रगल करनी पैंदी है, बहुत सारा काम करना पैंदा, बहुत सारी मेहनत करनी पैंदी है, बहुत सारे अगे पिछे घूमना पैंदा पंजाबी चा कहीए ते। लेकिन खान साहब ने जो दस्सिया अपने बारे कि हर बंदे नू एक नसीहत भी आ, एक मैसेज भी है साडे पी एम जी ग्रुप वालों कि कदे भी हौसला नहीं छड़ना चाहिए, जिस भी मंजिल पहुंचना अपना एम हासिल होना चाहिए तो उस एम से पहुंचने वास्ते सख्त मेहनत करनी चाहिए, तद ही कुछ ना कुछ उपर वाला तेरे हाथ लगा। तो हम मैं गल करदा सरताज जी के नाल कि सरताज जी तुम ये दसो कि तुहाडे इस जिंदगी में जो तुम जीवन शुरू किया संगीत का तो तुहाडे उस्ताद जी कौन सी और उन्होंने को तुम कितनी देर सीखा, और उस तो बाद मैं जिस तरह मैंने पता लगा पिछले 12 साल तो कि जिन्हें भी दोहा कतर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं चाहे वह हिंदुस्तान के आर्टिस्ट हो चाहे पाकिस्तान तो ईवन के चाहे कनेडा इंग्लैंड तो भी आते हैं साढ़े को आर्टिस्ट, तुम बहुत बड़े बड़े शो करवाए हैं जिन्होंने मुहम्मद रफी नाइट साहब है और उस्ताद मुहम्मद रफी नाइट और किशोर कुमार की यादें और भी बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें आप बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते हो और दोहा कदर के लोकल कलाकारों को भी आप मौका देते हो और उसमें बहुत सारे कलाकार नए भी होते हैं जैसे आपने बोला जाने अनजाने भी हैं तो आप सबको ये स्टेज ये प्लेटफॉर्म देते हो, तो इसके बारे में आप थोड़ा ये बताएं कि आपने आज तक कितने प्रोग्राम कर दिए हैं और आने वाली क्या प्लानिंग है और आपके उस्ताद जी इस फील्ड में कौन थे। उस्ताद के बारे मेरे उस्ताद हैं उस्ताद सजाद अली खान, वो शाहदरा पाकिस्तान लाहौर से तल्लक है उनका और बड़े नायाब और बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने तबला प्ले किया है, वो मेरे उस्ताद थे। उसके बाद मैंने उस्ताद तारिक खान साहब को दोहा कतर में बुलाया तो उन्होंने मुझे अपनी मोहब्बत से अपने प्यार से मुझे अपना शागिर्द बना लिया, तो अब मैं उनसे भी थोड़ी सी तालीम लेता हूँ। आपको पता है बड़े लोगों से तालीम लेने का बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है। दूसरा आपने प्रोग्रामों का पूछा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैंने दोहा कतर में जितने भी लोकल फनकार हैं उनको टाइम दिया, उन्हें चांस दिया, उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए और हमारे साल के तकरीबन 5 से 6 प्रोग्राम होते हैं मस्ट, जिनमें से हम 23 मार्च 14 अगस्त और 6 सितंबर और कतर इंडिपेंडेंट डे ठीक है उसमें रफ़ी नाइट, ये हमारे 5-6 प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे चलते हैं, उसमें कमर्शियल प्रोग्राम भी काफ़ी होते हैं। दूसरा आपने पूछा कि ये कब से और कब से शुरू किया, ये तकरीबन मुझे 20 साल ही हो गए इस पंजाब म्यूज़िक ग्रुप को स्टार्ट किए, इसमें बड़ी जदोजहद की बहुत मुश्किलातों के सामने किए हैं, लेकिन मुश्किलातों के सामने करने के बाद अब ये अपने पाँव पे खड़ा है, लेकिन फिर भी हम इसे अधूरा ही समझते हैं क्योंकि मेहनत जितनी भी कर लें वो कम होती है। आगे का फ्यूचर हमारा जो है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं इस तरह ही चलते रहेंगे, हमारी कोशिश होती है इंडिया और पाकिस्तान से जो भी आर्टिस्ट आएँ उन्हें अच्छा टाइम दिया जाए, उन्हें प्रमोट किया जाए और जो जो लोगों को पाकिस्तान में कोई पूछ नहीं रहा वो अच्छा गाते हैं घरों में बैठे हैं उनको हम तलाश करके लाते हैं और पब्लिक को सुनाते हैं, ताकि हमारी वजह से अगर उनका कोई नाम हो सकता है तो हमें इस चीज़ की बहुत खुशी होगी। ये बात प्यारे दर्शकों आपने हमारी बातचीत सुनी, हमारे साथ आज बहुत ही अच्छे फनकार बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर बहुत ही अच्छे इंसान नज़ाकत अली खान साहब जिन्होंने उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब कहा जाता है दोहा कतर के अंदर, और बहुत सारे उन्होंने गल्लां पर कीतियां बहुत सारे उन्होंने विचार साढ़े रूबरू हुए उन्होंने बारे प्रोग्राम बारे पूछा तरसीब गलबात की गई। तो हूँ मैं खान साहब को एक रिक्वेस्ट करा कि साढ़े जो दर्शक पंजाब म्यूजिक ग्रुप देख रहे हैं उन्होंने तुम की मैसेज देना चाहते हो, ताडे वालों की उन्होंने बारे मशवरा आडे वालों की उन्होंने सलाह आ, तो आखिर सर दो लैणा उन्होंने साढ़े दर्शकों लिए प्यारे स्रोतों लिए जरूर कहो, क्योंकि कहें कि कदम गर्मी के कदम सर्दी कुदरत के नज़ारे ने प्यासे वो भी रेंदे ने जो दरिया के किनारे ने। तो खान साहब दो शब्द जलंधर भाई जो आपने पूछा ना मुझे कि मैं अपने जो हमें सुन रहे हैं हमारे व्यूवर हैं उनको मैं एक ही मैसेज दूंगा कि ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हर काम में मेहनत करें लगन करें तो सब कुछ पूरा हो जाता है ठीक है, तो प्यार मोहब्बत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। अगर आप कोई भी काम किसी से लेना चाहते हैं या कराना चाहते हैं अगर उसमें 100% आप प्यार डाल लें तो आपका 100% वो काम जो है हर हाल में हो सकता है, अगर आप किसी भी काम में थोड़ी सी नफरत डालते हैं या तलखी डालते हैं तो वो काम नहीं होते। तो हमारा ये मुझे एक भी और मैं अपने पब्लिक को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर म्यूज़िक के जो शौकीन लोग हैं जो म्यूज़िक को लाइक करते हैं वो म्यूज़िक से प्यार करते हैं, म्यूज़िक इस तरह नहीं आता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, गाना गाना वालों के लिए गाना सीखने वालों के लिए उस्ताद की ज़रूरत है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं और स्कूल से सबक लेते हैं टीचर हमें सबक देता है और पढ़ाता है, इसी तरह मौसीकी का भी एक सब्जेक्ट है, अगर आप मौसीकी को प्रॉपर और अच्छे तरीके से सीखेंगे तो आपको मिलेगी।
तो अगर कोई ये सोचता है कि वैसे ही हम टेपर कार्ड सुन के गाना गा लेंगे या वैसे, तो वो शौकिया फनकार होता है। प्रोफेशनल वही बनता है, अच्छा गुलूकार अच्छा गायक वही बनता है जो उस्तादों की तरबियत लेता है और उस्तादों से सबक लेता है। तो मेरी ये नाज़रीन से और अपने सुनने वालों से इल्तजा और दरहास और प्यार मोहब्बत से एक मैसेज है कि कोई भी काम करें दिल से करें, उस्तादों से पूछ के करें, उस्तादों के बगैर इंसान अधूरा होता है। थैंक यू वेरी मच, ये मेरा आज का मैसेज था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जलंधरी साहब ने मुझे आज पर्सनल तौर पे मुझसे इंटरव्यू मेरा किया और मेरी बातें सुनी और पब्लिक तक पहुँचाई। थैंक यू वेरी मच जी। रबर के स्रोतों में एक बार फिर मैं गुजारिश करनी चाहता कि जिन्होंने साडा PMG यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, घंटी वाला बटन नहीं दबाया, वो दबा दो ताकि साढ़े आने वाले वीडियो एक एक करके ताडे रूबरू होंदे रहन। ते अज बहुत वधिया लगा ये साडे इस पंजाब म्यूजिक ग्रुप के चीफ ऑर्गेनाइजर और जिन्होंने गलबात की इस ग्रुप के बारे जानकारी ली, उन्होंने अपनी परसनल जानकारी ली, प्रोग्राम जो हो गए उन्होंने बारे तुम दसया गया, आने वाले प्रोग्रामों की तकसीम रूप रूप पेश की गई। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता, बड़ा थैंक्स करता नज़ाकत अली खान साहब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती समय निकाला, और मैं PMG ग्रुप की पूरी टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका थैंक्स कर चाहता हूँ। वैसे तो आप खुद चीफ ऑर्गेनाइजर हो, लेकिन मैं पूरी टीम का, रशीद साहब हैं या हमारे जो भी हैं चांद जी हैं या और भी जितने हर मेरे मेम्बर हैं पंजाबी ग्रुप के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। तो एक बार फिर खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद, और जो भी हमें देख रहे हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बने रहें, हमेशा देखते रहें पंजाब म्यूजिक ग्रुप यूट्यूब चैनल दोहा कतर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।